डर को पार करना है तो देवों की कहानी सुनो, डर को समझना है तो देवरा की कहानी सुनो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल रावल जी मीडिया में एक बार फिर से। दोस्तों, जूनियर एनटीआर की मोस्ट रेटेड फिल्म देवराज जिसे बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुए आज 12 दिन हो रहे हैं, तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे इस फिल्म के शुरुआती 11 दिनों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में और 12वें दिन के बॉक्स ऑफिस प्रेडिक्शन के बारे में। तो देखते रहिए पूरा वीडियो, मैं आपका दोस्त सुमित के रावल। तो देरी ना करते हुए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आपसे बता दूं कि साउथ की मोस्ट रेटेड फिल्म देवराज जो कि एक एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया है कोराटाला शिवा ने, वही दोस्तों इस फिल्म में लीड रोल में देखने को मिल रहे हैं जूनियर एनटीआर, सैफ अली खान, जानवी कपूर, प्रकाश राज। दोस्तों, इस फिल्म को 27 सितंबर को रिलीज किया गया है जिसे रिलीज हुए आज बॉक्स ऑफिस पर 12 दिन हो रहे हैं। तो बात करें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो यह फिल्म अपने पहले दिन 82,50,00,000 रुपए का, पहले हफ्ते से 215,60,00,000 रुपए का, दूसरे वीकेंड से 27,50,00,000 रुपए का, 11वें दिन 4,90,00,000 रुपए कलेक्शन कर चुकी है। इसी के साथ दोस्तों, इस फिल्म के शुरुआती 11 दिनों का इंडिया नेट कलेक्शन हो चुका है 248,65,00,000 रुपए का। वही दोस्तों, बात करें इस फिल्म के 12वें दिन यानी आज की, तो यह फिल्म आज लगभग 5 करोड़ रुपए कलेक्शन कर रही है। इसी के साथ दोस्तों, इस फिल्म के शुरुआती 12 दिनों का इंडिया नेट कलेक्शन हो रहा है 253,65,00,000 रुपए का, तो इंडिया ग्रॉस कलेक्शन हो रहा है 315,40,00,000 रुपए का, तो वही वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हो रहा है 398,80,00,000 रुपए का। तो दोस्तों, ये थी जूनियर एनटीआर की मोस्ट रेटेड फिल्म देवरा के शुरुआती 12 दिनों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की रिपोर्ट। दोस्तों, अगर आपने फिल्म देख ले तो हमें नीचे कमेंट्स के जरिए बताएं कि आपको ये फिल्म कैसी लगी, और आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आप भी जूनियर एनटीआर सैफ अली खान के डाई हार्ड फैन तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इस फिल्म की आने वाली सभी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की रिपोर्ट आपको मिल सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।